हरियाणा के बल्लभगढ़ के खंडावली गांव में ईद नहीं मनाई गई। गांव के लोगों ने काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज पढ़ी। ये जुनैद का गांव है, वही जुनैद जिसे गुरुवार को कुछ लोगों ने ट्रेन में पीट पीट कर मार डाला था। जब ये घटना हुई तब जुनैद ईद के लिए दिल्ली से खरीदारी करके अपने दो भाइयों के साथ गांव वापस जा रहा था। घटना के बाद से जुनैद के गांव में मातम छाया है। खंडावली में आज ईद के दिन मुहर्रम जैसा माहौल है। पूरे गांव के लोगों ने जुनैद की हत्या के विरोध में ईद ना मनाने का फैसला किया और काली पट्टियां बांधकर ईद की नमाज पढ़ी। गांव के लोगों की मांग है कि ट्रेनों में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। गांव के लोगों ने सरकार से जुनैद के परिवार को मुआवजा भी देने की मांग की है। जिनका बेटा चला गया है, कम से कम उन्हें कुछ आर्थिक मदद, कम से कम 50 लाख अगर मिल जाए हमारी भारत सरकार की तरफ से, तो उस माँ को थोड़ी सब्र आ जाएगा, क्योंकि वो तो जुनैद तो वापस आ नहीं सकता। उसका भाई चाकू से जख्मी हो गया था, उसको सरकारी वक्फ बोर्ड या भारतीय रेलवे में अगर सरकारी नौकरी का इंतजाम हो जाए। जुनैद की हत्या के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी रोष दिखा। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने लगातार बढ़ रही मॉब लिंचिंग के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। Please be assured that if lynch mobs become the new normal, this hatred, this poison is not going to spare anyone. And we, as youth of the country, must decide what we want, jobs or mobs. What did we elect this government for? For creating new jobs or for running lynch mobs as it now seems to be doing? ये घटना पूरे तौर पर सांप्रदायिक घटना है। इसमें कोई विवाद का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जुनैद पहला शख्स नहीं है जिसे पीट पीट कर मार डाला गया। पिछले कुछ वक्त से इन घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर और कहीं गाय के नाम पर। कोई ना कोई जुनैद इनका शिकार हो जाता है। आरुषि पुंडीर की रिपोर्ट, गो न्यूज़।